दोस्तों स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, 10 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट देखा जाए तो आफ्टर मार्केट के बाद देखने को मिला, उसके कारण स्टॉक में फिर भी हरे निशान में क्लोजिंग दिया। हालांकि मार्केट में ही अपने को थोड़ा सा हरियाली देखने को मिला था, ये भी स्टॉक 1 से 1.5% की तेजी दिखाया था। फ्राइडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है किससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बनाया था। उस टाइम पर हमने बताया था कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आ सकते हैं, एक क्वार्टर फोर का रिजल्ट इनका स्ट्रांग आ सकता है। हालांकि दोस्तों वैसा ही हुआ कि जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही कंपनी का रिजल्ट प्रेजेंट हुआ। हो सकता है कि इन सब चीजों को देख करके दोस्तों मंडे के दिन इस स्टॉक में एक अपर सर्किट भी लग सकता है। अपर सर्किट लगने का मतलब क्या है कि फर्स्ट 10% की तेजी देखने को मिलेगी, हो सकता है फिर कुछ डाउन हो कंपनी वापस, मतलब देखा है तो 5 से 7% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। मतलब 5 से 7% के आसपास तेजी दिखाने के बाद दोस्तों उसके बाद थोड़ी सी डाउन भी हो सकती है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, मंडे के दिन ही डिसाइड होगा क्या होने वाला है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप सब लोगों को पता है सबसे पहला इसमें जो न्यूज़ देखने को मिलता है डीमर्जर से रिलेटेड मैं बात करूँगा दोस्तों, क्योंकि इनके 10 तारीख को रिजल्ट देखने को मिले और डीमर्जर का नज़दीक भी आ गया है टाइम। उसके बाद सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में एक न्यूज़ और निकल के आया कि जो इंडिया का डोमेस्टिक इनका जो डेट है दोस्तों वो कंपनी अभी इसको ख़त्म करने के करीब पहुंच गई है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि मंडे के दिन इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस न्यूज़ को देख करके इस समय मार्केट में पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो बाई करना चाहते हैं तो बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रेट में बात करूँ टाटा मोटर्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में 2 बार बैक टू बैक वीडियो बनाया था। उस टाइम पे हमने बताया था कि कंपनी शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि जो एनालिस्ट हैं उनका जो मानना है लगभग 1028 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 1080 रुपये के आसपास से कंपनी जा सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1028 के आसपास कंपनी जाने के बाद वापस गिरावट देखने को मिली, 1000 के आसपास आई, फिर आप कह सकते हैं कि अभी 1050 के आसपास कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि मंडे के दिन ये कंपनी 1080 के 1200 के आसपास, जो हमारा रिसेंट का टारगेट है कि शॉर्ट टाइम में कंपनी 1200 के आसपास जा सकती, तो हो सकता है कि मंडे के दिन ये 1200 तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसी हफ्ते या कुछ कम समय में दोस्तों मार्केट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन क्रिएट हो रहा है, फिर भी शॉर्ट टाइम में 1200 रुपये के लेवल को कंपनी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 3% तेजी दिखा रही है। हालांकि 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 3% के ही आसपास है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा टारगेट प्राइस था दोस्तों यहाँ पे आया, उसके बाद स्टॉक 1000 के नीचे भी आई, और अभी आप देख सकते हैं कि अगर इसको निचले लेवल से यहाँ तक भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट टाइम में कंपनी ने लगभग 8 से 10% का रिटर्न बना के दे दिया। 1050 का कंपनी फ्राइडे के दिन हाई लगाया था, 1030 के आसपास कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी CDP ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप की कंपनी देखने को मिलती है। 1065 कंपनी का ऑल टाइम हाई है, जो कि देखा जाए तो 1047 के आसपास कंपनी चल रही थी। बहुत ज़्यादा कंपनी अभी तक डाउन होते हुए नहीं दिख रही। हालांकि दोस्तों अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने पैसे को डबल किया है, और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 500% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। उस हिसाब से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन देखने को मिला है दोस्तों कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो एकदम बेस्ट है। कंपनी का रिजल्ट ही दोस्तों एकमात्र चारा है कि हो सकता है कि ये मंडे के दिन अपर सर्किट भी लगा सकता है। हालांकि दोस्तों मैं वही पे बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जो EPS एस्टिमेशन है उसको कंपनी ने बीट ही किया है। यहाँ पे कुछ जो कि मतलब अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी ने रेवेन्यू सारा कुछ अच्छा ही प्रेजेंट किया है। हालांकि हो सकता है कि मंडे के दिन ये अपडेट भी हो जाए। एक रिजल्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर ले, सबसे पहले टाटा मोटर क्लॉक लगभग 45% जंप इन द नेट प्रॉफिट। मैनेजमेंट ने दोस्तों और भी बताया कि इंडिया का जो इनका बिजनेस है अभी वो नाउ अब डेट फ्री देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी के रिजल्ट एकदम स्ट्रांग ही प्रेजेंट हुए, आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया होगा। वहीं पर अगर आप देखें टाटा मोटर्स का जो मतलब इनका जो रेवेन्यू देखने को मिलता है, मतलब जो इनका प्रॉफिट है दोस्तों, उसमें 45% जंप देखने को मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस 17,529 करोड़ के आसपास, कंपेयर टू द 12,033 करोड़ जो था पहले फाइनेंशियल 23 में। तो वहीं पे आप देखा जाए तो अभी 17,500 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा खासा GLR का ऑर्डर बुक भी आते हुए दिख रहा है, एंड डोमेस्टिक डिमांड भी क्वार्टर फोर में और भी बढ़ सकती है। ऐसा 1,20,986 करोड़ के आसपास इनका जो कि 13% रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। वहीं पे जो कंपनी ने अपने डेट को भी कम किया दोस्तों, जो पहले 43-44 हज़ार करोड़ का डेट था अभी देखा जाए तो उसको रिड्यूस करके 16,000 करोड़ के आसपास रखा, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी प्योर डेट फ्री भी हो सकती ऐसा उनका मानना है। जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी ने 6 रुपये के आसपास डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रुपये का डिविडेंड है, 3 रुपये 10 पैसे का एक देखने को मिल जाए। कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए दोस्तों सुनील भागड़िया की अगर बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग आप 1030 से कह सकते हैं, मतलब कि 1124 रुपये का अभी उन्होंने टारगेट दे दिया है। डीमर्जर से रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताया तो डीमर्जर जो है कि कोई मतलब छोटा मोटा इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें एक लंबा टाइम भी लगता है। जैसा अगर आप देखें पैसेंजर व्हीकल बिजनेस आफ्टर द डीमर्जर के बाद जो इनका देखने को
को मिलेगा। यहाँ पे जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं टाइमिंग की जो बात हो रही है उससे सबसे पहला तो इसमें द डीमर्जर विल बी इम्प्लीमेंट जो देखने को मिलेगा थ्रू एंड द एनसीएलटी स्कीम ऑफ द एग्रीमेंट एंड ऑल शेयर होल्डर्स का जब अप्रूवल होगा दोस्तों सेल कंटिन्यूस देखने को मिलेगा हैव ए आइडेंटिकल जो शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों इन बहुत दोनों की बात करें तो उनका मतलब दोनों का जब भी मिलाप होगा दोस्तों आप कह सकते हैं कि प्रकार से उनकी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी एनसीएलटी में जो मामला जाएगा फिर रेगुलेटरी की अप्रूवल होगी फिर कुट्टे की और लगभग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं डीमर्जर कंप्लीट होने में लगभग 12 से 15 महीने का टाइम लग सकता है। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ है तो आपसे बताना चाहते हैं ये अनाउंसमेंट जो हुआ है लगभग मार्च महीने में ये सारे अनाउंसमेंट होते हुए दिखे हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑन 4 मार्च को जो कि टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज टू डीमर्जर्स बिजनेस से रिलेटेड जो कि इनका 2 सेपरेट एंटिटीज जो कि ये मार्केट में लिस्ट कराएंगे इससे रिलेटेड दोस्तों कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एंड द रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि मतलब देखा था 4 मार्च को ये अनाउंसमेंट होते हुए दिखा था। तो अभी देखा है तो 12 से 15 महीने का टाइम लगेगा तो उसमें हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2025 में ये सारी चीज़ें होते हुए दिख सकती है। दोस्तों टाटा मोटर्स एक निफ्टी 50 वाली पार्ट की कंपनी है दोस्तों तो उसमें आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में जितना भी वैल्यूम बनता है लगभग 133 करोड़ टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 32% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई की बात करें तो कंपनी 2024 में ही लगाया था उसके बाद डीमर्जर की न्यूज आई थी उसके बाद देखा तो स्टॉक में कुछ इतना खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। हालांकि 4 मार्च को ये न्यूज आया था दोस्तों और आप कह सकते हैं कि 5 मार्च को इस स्टॉक ने हाई भी लगाया था इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक हाई वैल्यूम क्रिएट होता है और हो सकता है कि मंडे के दिन ये वैल्यूम डबल भी हो सकता है। रिलेटेड सारा न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। एक इनका स्ट्रॉन्ग क्वार्टर सब कुछ देखने को मिला दोस्तों मतलब कंपनी के रिजल्ट मार्केट पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं इसके कारण आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पर जो सेकंड न्यूज है दोस्तों आप कह सकते हैं कि इंडिया में मतलब जो लगभग 5.1 बिलियन के आसपास 2024 से 2025 में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है तमिलनाडु का मैच आपको न्यूज आपको पता है और आने वाले समय में जो कुछ इन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की है दोस्तों उसमें आप कह सकते हैं कि जेएलआर से रिलेटेड जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में डोमेस्टिक लेवल पे जो भी इनका 15% का जो आया है दोस्तों मतलब कि पॉलिसीज उसमें देखा है तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है सबसे पहले दोस्तों बताएं जिनके भी पोर्टफोलियो में मैं इतना ही कहूँगा आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि मंडे के दिन एक तेजी भी देखने को मिले फिर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है मेरी तरफ से। हाँ सेकेंड अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो अभी इसके गिरने के कम चांस है फिर भी ये कंपनी हो सकता है कि मंडे के दिन मेरे पॉइंट से 1100 के ऊपर ही क्लोजिंग देने वाला है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे गिरावट की बात करें तो लास्ट आप कह सकते हैं गिरने के बहुत ही कम चांस है फिर भी ये कंपनी 1050 या एक फ्लैट तो नहीं कह सकते फिर भी गिरावट तो नहीं दोस्तों खरे निशान में कंपनी क्लोजिंग देने वाली है। 600 ब्रिज छब्डियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।